नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। आज हम बात करेंगे उन दो बड़े राजनेताओं की जिनके चेहरे पर उत्तराखंड में चुनाव के मैदान पे भाजपा और कांग्रेस उतरी है। जी, हम बात कर रहे हैं भाजपा के युवा चेहरे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। दोनों ही राजनेताओं के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको अपनी पार्टी को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाना और सरकार प्रदेश में बनानी है। और इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि जिन सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों को तो जीतना ही है, साथ ही आसपास की जो सीटें हैं उन सीटों पर भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा पहुँचाना है। अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो वो उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खटीमा के साथ साथ उनके पास जिम्मेदारी है नानकमत्ता की, किच्छा की और सितारगंज की। ये कहा जा सकता है ये खटीमा के आसपास की विधानसभाएं सीटें हैं जिन सीटों पर मुख्यमंत्री को अपने प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा पहुँचाना है। खैर, ये तो थी पुष्कर सिंह धामी की बात, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पास। उनके पास बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि वो चुनाव के मैदान में तो रामनगर विधानसभा सीट से उतरे थे, लेकिन पार्टी के अंदर ही बगावत को देखते हुए उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी और वो पहुँच गए लाल कुआं विधानसभा सीट, जो कि नैनीताल ज़िले में आती है। लेकिन लाल कुआं को जीतने के साथ साथ उनके पास और भी बड़ी जिम्मेदारी है कि कुमाऊं मंडल की, जी हाँ, कुमाऊं मंडल की वो महत्वपूर्ण सीटें जिन सीटों पर भाजपा का कब्जा है उन सीटों को कांग्रेस के हवाले कराना और साथ ही लाल कुआं के साथ साथ आसपास की जो सीटें हैं उनको भी जिताना, चाहे वो रामनगर हो, काला ढूंगी हो या फिर भीमताल। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार जनता की नज़रें हरीश रावत की विधानसभा सीट पर भी होगी और खटीमा में पुष्कर सिंह धामी की सीट पर भी। लेकिन एक इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इन बड़े नेताओं के पास अपनी सीट के अलावा आसपास की सीट और प्रदेश में सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात ये भी है कि दोनों ही राजनेता कुमाऊं से आते हैं और कुमाऊं में इस बार कौन अप रहता है, यानी कि कौन ज़्यादा सीटें लाता है, इस पर भी सभी की नज़रें होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अप रहेगा वो प्रदेश में सरकार बनाने में काजिब रहेगा, लेकिन जो इस बार डाउन रहेगा यानी कि जो कम सीटें लाएगा कुमाऊं मंडल से, तो शायद वो सरकार बनाने में नाकाम भी रहे। लेकिन जिम्मेदारी और दोनों ही बड़े नेताओं के कंधों पर तो है, लेकिन साथ ही बड़ी चुनौती दोनों ही नेताओं के पास है, क्योंकि एक तरफ है पुष्कर सिंह धामी जो कि युवा चेहरा है जिन पर पार्टी ने भरोसा किया और उन्हें अभी कुछ समय पहले ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और कम समय में उन्हें बेहतर बैटिंग करके पार्टी के लिए दिखानी है। तो वहीं दूसरी तरफ हैं कद्दावर नेता हरीश रावत जो कांग्रेस के स्तंभ की तरह खड़े हैं और कांग्रेस को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उनके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से युवा चेहरे से मुकाबला करें और किस तरीके से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाए। आगे भी ऐसी और रोचक जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।